नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश। आज इतिहास कुंभ में मैं जिस यूरोप के महान शासक के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूं वह है फ्रेडरिक महान। ये फ्रेडरिक महान प्रशा के महान शासक हुआ करते थे। क्यों ये महान शासक हुए, आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनके तथ्य, इन्होंने इनकी उपलब्धियां क्या थी, इन्होंने कौन कौन सी नई नई चीजों का आविष्कार क्या है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जर्मनी के लिए, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि प्रशा, जिसने कि जो जर्मनी का आगे जो हम जर्मनी से परिचित हैं सभी लोग, आज का जो जर्मनी है जिसको बिस्मार्क ने एकीकृत किया, उसकी जो भूमि थी, आधार भूमि थी, जिस बड़े राज्य के ऊपर इस जर्मनी का एकीकरण हुआ वो प्रशा था। और इस प्रशा का महान शासक फ्रेडरिक था। फ्रेडरिक महान ने 1740 से लेकर 1786 तक प्रशा में शासन किया। एक जिस विशेष बात के लिए फ्रेडरिक महान जाना जाता है वह है अपनी प्रबुद्ध निरंकुशता के लिए। निरंकुश शासक यूरोप में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ और 18वीं शताब्दी में कई यूरोप के शासक थे जिन्होंने निरंकुशता के साथ शासन किया है। हम और पहले अगर जाएं तो हम देख सकते हैं कि फ्रांस का लुई 14वां वो भी प्रबुद्ध निरंकुश, प्रबुद्ध न करके निरंकुश शासक कह सकते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वह एक कठोर निरंकुश शासक था। वो कहा करता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। और परंतु जब हम चर्चा करते हैं फ्रेडरिक की तो फ्रेडरिक के साथ ऐसी बात नहीं है, वो प्रबुद्ध निरंकुश है। प्रबुद्ध का निरंकुश का अर्थ ये हो गया कि वो इनलाइटेंड है, अर्थात वो ऐसे कार्य उसने समाज के लिए किए, देश के लिए किए, प्रशा के लिए किए, जो समाज में परिवर्तन किया, कानूनी रूप से परिवर्तन किए, जो प्रशा को आगे ले जा सकते हैं। परंतु उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यह निरंकुशता ऐसी न हो कि उसमें कठोरता हो, या निरंकुशता ऐसी न हो जिसमें अत्याचार का भाव हो। इसीलिए फ्रेडरिक के साथ हम महान शब्द को इतिहास में बड़ी ही आसानी से देखते हैं। अगर हम निरंकुश शासकों की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि और भी कई ऐसे शासक थे उस समय, जैसे कैथरीन द्वितीय, उनके पहले पीटर महान, ये मारिया थेरेसा, फिलिप, जोसेफ द्वितीय, ये सभी लोग जो ऑस्ट्रिया के शासक थे, ये सभी लोग प्रबुद्ध निरंकुश शासक के रूप में उस समय पूरी 18वीं शताब्दी में उन्होंने जो है निरंकुशता के साथ शासन किया है। और पूरे जो उस समय का जो बुद्धिवादी युग था, जिसमें मॉन्टेस्क्यू थे, वाल्टेयर थे, दिद्रो थे, क्वेश्चने थे, इन जैसे बुद्धिवादी दार्शनिकों के प्रभाव में इन सभी शासकों ने अपने राज्य का चतुर्दिक विकास किया है। इन्होंने सेना में सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, शासन में सुधार किए, और जो पर राष्ट्र नीति थे, जो गृह नीतियां थी, जो विदेश की नीतियां थी, इन सभी में बड़ी दृढ़ता के साथ इन्होंने शासन में सुधार किया। परंतु ये शासन में सुधार वहीं तक किए जहां पर राजा का जो राजा का स्ट्रेचर था, जो राजा का जो एक ऑरा था, उसमें कहीं कोई कमी ना आ पाए। तो हम जब आज चर्चा करते हैं फ्रेडरिक महान के ऊपर तो हम देखते हैं कि फ्रेडरिक महान जो जर्मनी में जिनका जन्म हुआ था वो मूलतः जर्मन थे, परंतु 1740 से लेकर 1786 तक हम देख सकते हैं कि उन्होंने शासन किया। ये कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड था पूरे जर्मनी के लिए, पूरे प्रशा के लिए। प्रशा, मैं बार बार आपको जर्मनी शब्द बता रहा हूं क्योंकि ये, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, हम सभी परिचित हैं, और ये एकीकरण उन्होंने प्रशा को आधार बनाकर के ही किया था। जर्मनी का एकीकरण, इटली के एकीकरण से भी आप परिचित हैं, जिसको कि गैरिबाल्डी ने, मेजिनी ने, कैवूर ने किया था। उसी प्रकार से आधुनिक जर्मनी का जो है जो एकीकरण किया था वो बिस्मार्क ने किया था। परंतु इस एकीकरण की जो आधार भूमि रखने वाला जो शासक था, जो महान शासक था, वो फ्रेडरिक महान था। उनके नाम के साथ हम आधुनिक जर्मनी का प्रारंभकर्ता जैसा शब्द भी जोड़ सकते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसमें एक बिंदु जो आता है इनके व्यक्तित्व के विषय में, वो आधुनिक जर्मनी के प्रारंभकर्ता के रूप में भी आता है। फ्रेडरिक महान की कई बातें हैं जो हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सुधार किए हैं, शासन में, प्रशासन में, आर्थिक सुधार, सैन्य सुधार, बहुत से सुधार, गृह नीति में सुधार। परंतु अगर फ्रेडरिक का जीवन देखा जाए, उनके साथ महानता का जो शब्द जुड़ा हुआ है वो क्यों जुड़ा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि उनके पास एक राजत्व का भी सिद्धांत था, यानी जो किंगशिप का जो थ्योरी होती है वो कैसी थी, और शायद इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, पूरे यूरोप में, और क्या हम कह सकते हैं कि यूरोप के इतिहास में उन्होंने महान शब्द या महानता जैसे गुणों को उन्होंने प्राप्त किया, और उनके नाम के साथ महानता, महान शब्द जुड़ता है। फ्रेडरिक द्वितीय थे, फ्रेडरिक के पहले फ्रेडरिक विलियम और फ्रेडरिक प्रथम भी थे, परंतु ये जो फ्रेडरिक महान है ये फ्रेडरिक सेकंड थे, और इन्होंने 1740 से लेकर 1786 तक शासन किया। 1712 में इनका जन्म हुआ था। अब महत्वपूर्ण जो बातें आती हैं इनके इनके जो काम की चीजें हैं जो फ्रेडरिक महान को महान बनाती हैं, इन पे जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि प्रशा को उन्होंने पूरी
यूरोप में एक शक्ति के रूप में तैयार किया। प्रशा को उन्होंने यूरोपीय शक्ति बना दिया, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। वो शक्ति कैसे बनेगा? कोई भी राज्य तभी महान बन सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जब उसकी सैन्य स्थिति अच्छी हो। वो दौर एक ऐसा दौर था जब हम सभी जानते हैं कि जब बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति के संतुलन का सिद्धांत था, तो जिसके पास शक्ति थी वही जो संतुलन की स्थिति थी उसी के पक्ष में हुआ करता था। तो फ्रेडरिक को यह पता था कि हमारे पास एक विशाल सेना की जरूरत है, वो वही जो इसके पास सेना होगी वही जो है पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो उन्होंने एक महान शक्ति के रूप में, सैनिक राज्य के रूप में, सैनिक शक्ति के रूप में प्रशा को आगे बढ़ाया। हम आगे देख सकते हैं कि इसी में इनके जो विशेषताओं के साथ बिंदु जुड़ता है वो सेना का पुनर्गठन है। मैंने अभी जैसा चर्चा किया कि अगर यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरना है तो सेना का पुनर्गठन करना होगा। साथ ही उन्होंने महानता के शब्द इसलिए भी उनके साथ जुड़ते हैं कि जो साहित्य का क्षेत्र है, जो कला का क्षेत्र है, जो स्थापत्य का क्षेत्र है, इन सभी को फ्रेडरिक ने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। और इसीलिए फ्रेडरिक का जो नाम है वो महानता के श्रेणी में लिया जाता है। हम आगे देखेंगे कि जब वो एक शक्ति के रूप में उभरता है तो शक्ति और सेना का गठन कर लेता है, पुनर्गठित कर लेता है, तो इसकी फ्रेडरिक के समय में सप्तवर्ष युद्ध जो बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, सभी लोग उससे परिचित हैं, इतिहास का सामान्य समझ रखने वाले लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार से भारत में भी जब ये अंग्रेज आए थे, जब फ्रांसीसी आए थे, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष था, उस समय भी 1756 से लेकर 1763 तक जब तृतीय आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष होता है तो उसकी छाया, इसी सप्तवर्षीय युद्ध की छाया उस पर भी पड़ती है। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 तक पूरे यूरोप को प्रभावित करता है, उसमें बहुत बड़ी विजय प्राप्त करते हैं फ्रेडरिक महान। और इन बिंदुओं के साथ जबकि एक विजय विश्व विजेता के रूप में उभरते हैं। ये सब कारण इसलिए बनता है क्योंकि वो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक है। प्रबुद्ध निरंकुश, मैंने अभी चर्चा किया था कि वो उस समय के जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे, बुद्धिवादी चिंतक थे, जो बुद्धिवादी विचारक थे, उन सबसे बहुत प्रभावित था। और उस विचारधारा से प्रभावित होने के नाते मैंने भी बताया मॉन्टेस्क्यू का नाम लिया। वाल्टेयर फ्रेडरिक महान के बहुत अच्छे मित्र थे, फ्रेडरिक के साथ बहुत अच्छी उनकी मित्रता थी और उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे फ्रांस के आदर्शों से, क्योंकि फ्रांस बुद्धिवादी दार्शनिकों से बहुत अधिक प्रेरित था। आप सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले एक अच्छी क्रांति जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत आता है, दुनिया उससे परिचित होती है, वो फ्रांस की भूमि पर होता है। और अगर वो फ्रांस की भूमि पर ये क्रांति होती है तो उसके पीछे जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है वो वहां के दार्शनिक है। उन दार्शनिकों में वाल्टेयर का नाम बहुत प्रमुख है। वाल्टेयर से बहुत अधिक प्रभावित थे फ्रेडरिक महान। इसके अलावा वहां के आदर्शों से बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फ्रांस के लुई 14वां या अन्य शासकों से प्रभावित होना अलग बात थी, उनके निरंकुशता से प्रभावित होना अलग बात थी, परंतु उसने, फ्रेडरिक ने एक सीमा रेखा बना रखी थी, एक लक्ष्मण रेखा बना रखी थी कि उसे कहां तक निरंकुश होना है। इसलिए उसने जिस निरंकुशता का मार्ग चुना वो निरंकुशता का मार्ग कठोरता का नहीं था, वो अत्याचार का नहीं था, वो शोषण का निरंकुशता नहीं था, बल्कि वो प्रबुद्ध निरंकुशता था, ताकि समाज में परिवर्तन आ सके, ताकि जो कानूनी परिवर्तन लाना है समाज को बेहतर बनाने के लिए उन कानूनों में परिवर्तन लाया जा सके, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो सके। इन सब के नाते ही फ्रेडरिक, इन तमाम उपलब्धियों के नाते बहुत अधिक महानता का गुण प्राप्त करता है।